नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी डी इंडिया न्यूज। झारखंड के देवघर में त्रिकुट पहाड़ के रोपवे पर अभी भी 26 जिंदगियां फंसी हुई हैं। इन्हें निकालने के लिए सेना, वायुसेना और एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाला हुआ है। सोमवार दोपहर 12 बजे MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद से दोबारा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। आपको बता दें, कुल मिलाकर पिछले 21 घंटे में सिर्फ 22 श्रद्धालुओं को बचाया गया है और अब तक 2 लोगों की इसमें मौत हो गई है। आपको बता दें, रविवार की शाम करीब 4 बजे हादसा तब हुआ जब पहाड़ पर बने मंदिर की तरफ एक साथ 26 ट्रॉलियां रवाना कर दी गई, जिससे तारों पर अचानक लोड बढ़ गया और रोलर टूट गया। 3 ट्रॉलियां पहाड़ से टकरा गई, इसमें 2 ट्रॉलियां नीचे गिर गई। इनमें सवार 12 लोग जख्मी हो गए हैं और 2 लोगों की मौत बताई जा रही है। उधर बाकी ट्रॉलियां आपस में टकरा कर रुक गई। अभी 18 ट्रॉलियां फंसी हुई हैं, जिनमें करीब 26 लोग सवार हैं। इनमें छोटे बच्चे और महिला भी शामिल हैं। करीब 48 लोग पूरी रात इन ट्रॉलियों में भूखे प्यासे फंसे रहे। रेस्क्यू किए गए लोगों ने बताया कि डर खत्म करने के लिए हम एक दूसरे से बात कर रहे थे। हम सभी पूरी रात सो नहीं पाए हैं, भगवान से सिर्फ ये प्रार्थना कर रहे थे कि कैसे भी हमें बचा लिया जाए। वहीं सोमवार की अगर बात करें तो सोमवार सुबह सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। सुबह करीब 6:30 बजे वायुसेना का हेलीकॉप्टर पहुंच, इसमें कमांडो भी मौजूद थे। रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करने से पहले हवाई सर्वे किया गया। कैबिन में फंसे लोगों तक खाने के पैकेट पहुंचाने की कोशिश की गई। वहीं आपको बता दें, कैबिन जमीन से करीब 2500 फीट की ऊंचाई पर है, लिहाजा ऑपरेशन शुरू करने से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हादसे में फंसे हुए लोगों की पहचान देवघर के अमित कुमार, खुशबू कुमारी, जया कुमारी, छठी लाल शाह, कर्तव्य राम, वीर कुमार, नमन, अभिषेक, भागलपुर के धीरज, कौशल्या देवी, अनु कुमारी, तनु कुमारी, डिंपल कुमार व वाहन चालक, मलदा के पुतुल शर्मा, सुधीर दत्ता, सौरभ दास, नमिता, विनय दास के रूप में की गई है। वहीं सेना को रेस्क्यू में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल ट्रॉलियां 2 पहाड़ों के बीच में फंसी हुई हैं, नीचे खाई है। हेलीकॉप्टर को जैसे ही इसके सामने लाया जाता है, तेज हवा की वजह से ये हिलने लगती है। बेहद संभाल कर लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है, कुछ लोगों को रस्सी के सहारे भी निकाला जा रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि त्रिकुट पहाड़ पर त्रिकुटाचल महादेव मंदिर और ऋषि दयानंद की आश्रम है। यहाँ हर साल हजारों लोग पिकनिक मनाने और मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। इसके लिए यहाँ एक रोप वे बनाया गया है। यह झारखंड का एकमात्र और बिहार झारखंड का सबसे ऊंचा रोप वे है। इस पर पहुंचने के लिए एक एक ट्रॉली में 4-4 लोगों को बैठाकर ऊपर भेजा जाता है। वहीं झारखंड के पर्यटन मंत्री हाफिजुल हसन ने कहा है कि रोप वे का संचालन कर रही दामोदर वैली कॉरपोरेशन को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। सेब कैसे टूटा, उसका मेंटेनेंस किस तरह से हो रहा था, इन सब बिंदुओं की जांच कराई जाएगी। आने वाले समय में पर्यटकों के लिए सुरक्षा के मद्देनजर विकल्प